बुरी नीयत से महिला के कमरे में घुसा एक युवक करने लगा छेड़खानी। महिला के शोर मचाने पर पारिवारिक जनों ने युवक की कर दी पिटाई। महिला का आरोप युवक तमंचा दिखाकर जाति सूचक शब्द एवं जान से मारने की धमकी देते हुए हुआ फरार। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को कोतवाली में शिकायत करते हुए गांव लड़ौता निवासी जयश्री पत्नी संजय कुमार ने कहा कि उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। रात्रि में वह खाना पीना खाकर अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, तभी रात करीब 11 बजे गांव के ही रहने वाले संजय सिंह पुत्र कालू पहलवान घर में घुसाया और अपना पैंट उतारने लगा। मेरी आँख खुली और उसका आने पर मैंने विरोध किया तो गलत नीयत से छेड़खानी करने लगा। तहरीर में कहा है कि पीड़ित ने जब आरोपी का विरोध किया तथा शोर मचाया तो पीड़िता ने के जेड संतोष एवं देवर अमित मौके पर आ गए। उन्होंने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया, तब आरोपी जाति सूचक शब्द व जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा लहराते हुए भाग गया। पीड़िता ने कोतवाली में घटना की तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता प्रशांत दीक्षित। क्या नाम है आपका? पति का नाम? संजय। क्या घटना घटी आपके साथ में? मेरे पति यहाँ पे रहते नहीं है, उसी छाता काम कर रहे थे, तो ये तो मेरी माँ जी सो रही थी बाहर गेट से बाहर बच्चे के बाद, और मेरी लड़की भी सो रही थी। चार बच्चे मुझ पर, दो तीन बच्चों को लेके मैं अंदर सो रही थी काट पर, तो ये दो जने आए थे रात को 11 बजे। क्या क्या नाम है इनका? संजय ठाकुर और कुशल। तो कई दिनों ने एक तो वहाँ पे खड़ा हो गया था गेट पे, और एक ने आकर इज्जत लूटी थी मेरी, और जो हम चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे तो एक वो जो गेट पे खड़ा था ना, वो तमंचे के डर से डरा रहा था, तो फिर भी हमारे बच्चे चिल्ला नहीं करे, अम्मा चिल्ला करनी बहुत तेज, तो उसने कहा कि हमारे देवर जी हैं ना सिस्सू अमित, तो वो आने लगे पलंग से, और जो रवि हैं वो आने लगे, तो जो गेट पर था वो तो भाग गया था घुसला, और जो अंदर था वो पकड़ा गया था, तो फिर वो भी झटका दे के भाग गया। भाग गया मौके से? हाँ। अब वो आपने पुलिस को शिकायत किया आपने? हाँ मैंने पुलिस से। तो पुलिस ने क्या बोला आपसे, कार्रवाई के लिए कहा? कहा उसने, पर अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना क्या बजे की है? 11 बजे रात्रि में। तो 24 घंटे तो लगभग हो चुके? हाँ, मेरे पति भी नहीं थे घर पे, तो मैंने सोचा। कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं पूरा वो चाहती हूँ, मैं पूरी वो मेरे लिए इंसाफ मिलना चाहिए मुझे,